हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे से कमेंट करते हो। तो जो आज की वीडियो है वो वीडियो परवीन भाई के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन लोगों का जब मामला है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। 2 महीने हो गए हैं, ज्योति अब तक नहीं आई है। और अब पिछले 2-3 दिन से एक नया वो चल गया है जो परवीन भाई के सपोर्ट में है, या फिर जो अनसपोर्ट में भी हैं, वो बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल कर रहे हैं अब कि परवीन भाई ने भी लिया है दूसरी शादी, परवीन दूसरी शादी करेगा। अब बहुत ज़्यादा चल रहा है, जबकि ये बोला गया है कि परवीन भाई भी करेंगे अब दूसरी शादी, ठीक है, बच्चों को मिल जाएगी एक नई माँ। तो जो ये लोग ये वाला थंबनेल लगा रहे हैं परवीन दूसरी शादी करेगा, तो जहाँ तक मुझे याद है परवीन भाई ने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं दूसरी शादी करूँगा, ठीक है, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ और उसी लड़की को प्यार करता रहूँगा, वो सिर्फ ज्योति है। उन्होंने ज्योति के नाक पर टैटू भी बनवाया हुआ है अपने हाथ पर। तो बिना बात के ये सब जो लग कर रहे हैं ना, उन्होंने तो मुँह से बोला ही नहीं है कि मैं शादी करूँगा दूसरी, बिना बात के ही बोला। किसने था? सीमा जी ने, कि अब कि ज्योति दूसरी शादी कर लेगी, परवीन भी अब नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो 1 साल में अगर ज्योति नहीं आई तो दूसरी शादी कर लेगा, ठीक है। उन्होंने अपने मुँह से बोला ही नहीं आज तक कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और बिना बात का इस बात का इश्यू बना लिया कि परवीन भी अब दूसरी शादी करेगा, अपने बच्चों को नई माँ देगा, ठीक है। तो बिना बात के किसी के ना कहे भी इस बात का वो मत बनाओ कि उसने कभी नहीं बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगा। उसने सिर्फ यही बोला है कि अगर कोई आएगी तो ज्योति आएगी, इन बच्चों की माँ अगर कोई बन की आएगी तो ज्योति आएगी, अगर ज्योति नहीं आएगी तो कोई नहीं आएगा। अगर दूसरी शादी करनी होती, इनके मन में ऐसा कुछ होता तो ये अब तक उसे डिवोर्स दे चुके होते, ठीक है। इनके ऊपर जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो सिर्फ डिवोर्स का प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि मैं डिवोर्स दूंगा और मैं तुझसे शादी कर लूंगा, कि अगर ज्योति को लड़के मिल जाएंगे तो मुझे भी बहुत लड़कियां मिल जाएंगी, उस बंदे ने आज तक नहीं कहा, ठीक है। और जो ये सोचते हैं ना कि एक शादी के बाद हमें दूसरी शादी करेंगे तो हमें अच्छा मिल जाएगा या हम अच्छे से रहेंगे, अगर किसी के नसीब में एक ही अच्छा नहीं है ना, तो क्या पता भगवान ने ऐसा नहीं है कि दूसरा भी अच्छा बनाया होगा, हो सकता है कि दूसरा उससे भी बेकार मिल जाए। तो किसी को बिना बात के ऐसे इल्जाम मत लगाओ कि उसने शादी परवीन ने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दिया है, दूसरी शादी करेगा। वो सिर्फ एक सीमा जी ने बात बोली थी और उन्होंने उस टाइम पर भी उसका कोई रिप्लाई नहीं करा था, वे सिर्फ चुपचाप बैठे थे, सुन रहे थे जो कोई कुछ बोल रहा है। रही उसकी बात दूसरी शादी, ज्योति का भी नहीं पता कि ज्योति ने भी कभी ये नहीं बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगी, और ना ही कभी परवीन ने बोला है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ठीक है। जो उनका नसीब में है मिलेगा तो वही, उस ज़्यादा नहीं मिलता, जिसके नसीब में जितना होता है उसको सिर्फ उतना मिलता है, उससे फालतू नहीं मिलता है। और रही दूसरी माँ, अगर आ भी जाए 1% कर भी ले परवीन भाई शादी, वैसे तो ऐसा कभी करेंगी नहीं, तो जो प्यार ज्योति दे देगी ना अपने बच्चों को, वो दूसरी माँ कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं देती दूसरी माँ। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा दूंगी मैं आपको, दूसरी माँ कभी वो प्यार नहीं दे सकती जो अपनी सगी माँ दे देगी, वो जो ज्योति प्यार दे देगी ना बच्चों को, वो कोई नहीं दे सकता। और वो बहुत ही जो अपनी अपनी खुशी के लिए ना, जो लोग अपनी खुशी के लिए ना अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं ना, जैसे ज्योति अपनी खुशी के लिए अगर दूसरी शादी कर ले, या फिर परवीन भाई अपनी खुशी के लिए बच्चों दूसरी शादी कर ले, तो उससे बेकार आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि जो अपने बच्चों की खुशी, अपनी खुशी के लिए ना अपने बच्चों की खुशी को बलि चढ़ा देते हैं। अरे शादी करके तुम ही तो खुश हो जाओगे, तुम्हें पता है कि उसके बाद उन बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उन बच्चों का क्या होगा? अभी देखा भी होगा तुमने पीछे रिया वाला केस, 50 साल की उम्र में वो बुढ़ा 26 साल की लड़की शादी कर लाया था, उसके बाद क्या हुआ, अपने बच्चों की उम्र की लड़की शादी की, उसके बाद क्या हुआ, उस लड़की ने ही अपनी माँ के गले पर चाकू मार दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं देखा उस बुढ़े ने कि उसने चाकू क्यों मारा, ये देखा कि बस उस लड़की को अब जेल में डलवाना है। अरे उसकी शर्म नहीं आई कि वो तेरी औलाद है, तेरे से पैदा हुई औलाद है, तो उसे इस कल की आई लड़की के चक्कर में जेल में डाल रहा है। पहले ये तो पूछ ले कि उससे गलती क्या है, किस बात पे उसने ऐसा कदम उठाया, पागल तो है नहीं, दिमाग तो उसने चलना नहीं कि उसने उसको चाकू मार दिया, आज से पहले तो उसने किसी को चाकू नहीं मारा।
तो ये कुछ परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हवस के चक्कर में ना अपने बच्चों को बलि चढ़ा देते हैं। और रही परवीन की बात, तो परवीन ने आज तक कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं दूसरी शादी करूंगा या दूसरे बच्चों के लिए दूसरी माँ ले आऊंगा। उसने बोला है अगर आएगी तो ज्योति आएगी, ज्योति के अलावा कोई दूसरी नहीं आएगी। तो फालतू में इस बात को लेकर बदनाम मत करो किसी को भी। और पहले ही बोला है कि ज्योति और परवीन हम इन दोनों के सपोर्ट में ही नहीं है। हम अगर चाहते हैं, हम सपोर्ट में हैं किसी के, तो सिर्फ ये कि हम बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों को उनकी माँ मिल जाए। और वो ज्योति के हाथ में है, अगर ज्योति चाहती है परवीन भाई को एक मौका देना तो वो दे सकती है, क्योंकि उसकी जो इज्जत है वो सिर्फ यहाँ से है। अगर वो कहीं दूसरी जगह शादी करके जाएगी भी तो उसको वो इज्जत वो फेम नहीं मिलेगा जो यहाँ मिल रहा है। और अब तो ये बात मीडिया में भी आ चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई अच्छे घर का लड़का ज्योति शादी करेगा। या फिर अगर परवीन भाई के पास ज्योति आ जाती है तो परवीन भाई कभी उसे किसी तरह का, जो भी मुझे नहीं पता पीछे लोगों की लाइफ में क्या हुआ, परवीन भाई ने क्या उसे परेशान किया, क्या टॉर्चर किया, क्या नहीं किया, जैसे वो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ ज्योति जा सकती है, परवीन जानता है या ज्योति जानती है, उसके अलावा तीसरा बंदा कोई नहीं जानता, ना कोई जान सकता। तीसरा बंदा सिर्फ जो बातें इन दोनों की बताई हुई है या आपस में जो भी मनगढ़ंत कहानियां आती हैं वो बता देते हैं, ठीक है। तो शायद परवीन भाई भी लाइफ टाइम में अब उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और ये ड्रिंक वाली बात तो मैं खुद बोलती हूँ परवीन भाई को, परवीन भाई ड्रिंक व्रिंक में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ अपने घर का नाश और कुछ नहीं। अच्छे खासे दो बच्चे मिले हुए हैं, एक बेटा एक बेटी, लोग तरसते हैं बच्चों के लिए, तो उन बच्चों की परवरिश पर ध्यान दो, उन्हें अच्छे से सोचो कि जैसे हमारी ज़िंदगी बीती शायद उनकी ज़िंदगी ऐसे ना बीते, उनको वो सुख सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करें जो शायद हम लोगों को नहीं मिली। हर कोई यही करता है, हम भी हैं, हम भी सोचते हैं कि जो चीज़ हमें नहीं मिली शायद वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को वो मिले। अब आगे तो भगवान की मर्जी, आगे नसीब है कि बच्चे हमारे कैसे निकलते हैं, लेकिन हर पेरेंट्स यही कोशिश करता है कि हम अपने बच्चे के लिए अपने से बढ़कर करें। तो मेरी जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ वो यही था कि परवीन भाई ने शादी के लिए हाँ नहीं बोला है, तो ना उन्होंने बोला है कि मैं दूसरी शादी करूंगा, ना उन्होंने ये बोला है कि मैं ज्योति को डिवोर्स देकर दूसरी शादी करूंगा, बच्चों के लिए दूसरी माँ लाऊंगा। तो बिना बात के इस टॉपिक को लंबा ना खींचो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसे हो रही लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी घटने की बजाय। और अगर मैं चाहती हूँ कि ज्योति परवीन को एक मौका दिया जाए आपस में 5 मिनट बैठकर बात करने का, ताकि ये सारी बात क्लियर हो जाए कि वे आपस में बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग जो उनके बीच में है वो शायद क्लियर हो सकती है उन दोनों की आपस में बैठकर बात करने से। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है ना वो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, हस्बैंड वाइफ की बात कोई है ही नहीं दुनिया में जो दो हस्बैंड वाइफ का जो लड़ाई है वो सोल्व करा दे, क्योंकि हस्बैंड वाइफ खुद ही आपस में बैठकर उस बात को सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोई उनकी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना जाए के बीच में नहीं करा पाएगा जब तक ये दोनों खुद नहीं चाहेंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें क्योंकि आजकल मौसम बहुत चेंज हो रहा है।